हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं अपने कान्हा जी के लिए भोग बनाने जा रही हूँ। ये बेसन है, ये शक्कर है, ये दूध है और ये थोड़े बादाम काटे हैं मैंने, ये किशमिश है, ये काजू है और ये मैंने फ्रेम धरा हुआ है, उसमें 2 चम्मच घी डाल दिया है। अब ये घी गर्म हो रहा है और जब तक हम बात कर लेते हैं, आप कैसे हो? ठीक हो? ठीक ही होंगे, कान्हा जी की कृपा है आप पर बनी रहे हमेशा। घी गर्म हो गया है, ये मेरा घी गर्म हो गया है, इसमें मैं बेसन डाल रही हूँ। देखिए बेसन ऐसे इसको हिलाऊंगी तो इसको हमें एकदम लाल करना है, लाल। और देखिए दोस्तों, ये बेसन एकदम लाल हो गया है हलवा के बराबर। तो मैं इसमें दूध डालूंगी पानी की जगह, आप चाहो तो पानी डाल सकते हो, लेकिन मैं दूध डाल के ही बनाती हूँ। थोड़ा थोड़ा दूध डालना है इसमें, उसे इसे हिलाओ। और इसमें मैंने करीब 50 ग्राम दूध डाला है मैंने। और दोस्तों, ये घी छोड़ चुका है, देखो ये बन रहा है। अब इसमें मैं शक्कर डालती हूँ, करीब 1.5 छोटी चम्मच शक्कर है इसमें, और इसको मैं हिला लेती हूँ। और ये देखो, ये बन के तैयार हो गया। अब इसमें मैं थोड़ी सी किशमिश डालूँगी, थोड़े से काजू डालूंगी मैं इसमें, और थोड़े से मैं इसमें बादाम डालूंगी। और ये देखो दोस्त, और ये हलवा बन के तैयार हो गया है, कितना अच्छा टेस्टी बना है। और इसको मैं खिला लेती हूँ। और गैस मैंने स्लो ही रखी थी और अब मैंने ये बंद कर दी है। देखो, अब मैं इसमें कर लेती हूँ, कान्हा जी के लिए बनाया है थोड़ा सा। और इसमें मैं गार्निश कर देती हूँ, थोड़े थोड़े काजू है, बादाम है, किशमिश है, और ये सब देखो। और ये मेरे कान्हा जी की चम्मच है थोड़ी सी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना मुझे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और कल लड्डू गोपाल का मैं भी भोग लगाने जा रही हूँ, आप भी लगाओ। जय श्री राधे।